हाजरीन और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं कवि सम्मेलन और मुशायरों के फील्ड से निकलकर आया हूं, यहां तक पहुंचा। लेकिन जब मुशायरे पढ़ा करता था, मेरी एंट्री होती थी, तो एक नज्म को लोग बहुत पसंद करते थे। मेरे कुछ दोस्तों ने आज इसरार किया, वो नज्म फिर से सुना दीजिए। तो आपकी खिदमत में ये 10-12 लाइन की नज्म पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाइए। डॉक्टर बोला मरीज से तरीके और तमीज से, डॉक्टर बोला मरीज से तरीके और तमीज से, अगर चाहते हो खुशगवार जिंदगी जीना तो ये बॉटल ले जाओ, दिन में 5 बार पीना। अगर चाहते हो खुशगवार जिंदगी जीना तो ये दवाई ले जाओ और दिन में 5 बार पीना। मरीज था टुन, और भी टुन हो गया, थोड़ी देर में उसका दिमाग सुन्न हो गया। अचानक गफलत की नींद से जागा और दवाई की बोतल गले में टांगा, सरपट भागा। अब बेमकसदों बेमायने सड़कों पर घूमता है, बेमकसदों बेमायने सड़कों पर घूमता है, दवाई को पीता नहीं, बस दिन भर चूमता है। बेमकसदों बेमायने सड़कों पर घूमता है, दवाई को पीता नहीं, दिन भर चूमता है। तो कहना चाहता हूं इस कहानी की आड़ में, ऐसा ही होता है इस संसार में। खुदा की पाकीज़ा किताब को यानी कि कुरान पाक को लोग झूठी कसम खाने के लिए हाथों में लेकर घूमते हैं, इसका दर्श नहीं करते, बस दिन भर इसको चूमते हैं। तो कहना चाहता हूँ इस कहानी की आड़ में, ऐसा ही होता है इस संसार में। खुदा की पाकीज़ा किताब को यानी कि कुरान पाक को झूठी कसम खाने के लिए हाथों में लेकर घूमते हैं, इसका दर्श नहीं करते, दिन भर इसको चूमते हैं। कुछ लोग कैलेंडर की शक्ल में दीवारों पर टांगते हैं, कुछ लोग इसे कैलेंडर की शक्ल में दीवारों पर टांगते हैं, कुछ लोग तो इसको पढ़कर सुनाने का भी पैसा मांगते हैं, कुछ लोग हरे कपड़े में लपेट कर ताकों में सजाते हैं, और कुछ लोग तावीज और गंडा लिखकर ही अपना घर चलाते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितनी जल्दी हो सके आप सब जाग जाइए, वरना खुदा दूसरी कौमों को जगा देगा और आपके हाथ से छीन कर ये किताब किसी और कौम के हाथ में थमा देगा। आपके हाथ से छीन कर ये पाकीज़ा किताब किसी और कौम के हाथ में थमा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़्म आपको कैसी लगी, अपने तासुरात नीचे ज़रूर लिखिएगा। अगली बार फिर किसी नई नज़्म के साथ आपसे मुलाकात होगी। वैसे भी ये आसमानी किताब है, किसी एक कौम की नहीं, पूरे जहान की है, अमन की किताब है, अमन और सुकून की किताब है। तो पूरी दुनिया में अगर अमन और सुकून कायम करना है तो ये किताब सब तक पहुंचानी पड़ेगी। खुदा हाफिज़।